बंगाल, टीएमसी ने कुणाल घोष को प्रदेश महासचिव के पद से हटाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंची, राम मंदिर के दर्शन करेंगी। वाराणसी, पीएम मोदी 12 या 13 मई को नामांकन दाखिल और रोड शो कर सकते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से नॉमिनेशन भरा। सलमान खान के घर फायरिंग के आरोपियों को हथियार सप्लाई करने वाले अनुज थापन ने की खुदकुशी। बंगाल, मुर्शिदाबाद में भिड़े टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस वर्कर को लगी गोली। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका एचसी ने खारिज की। छत्तीसगढ़, नारायणपुर में 10 नक्सलियों को ढेर करने के बाद सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली स्कूल बम थ्रेट, शिवसेना, उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, माहौल असुरक्षित हो गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। ऐप बेस्ट फर्जीवाड़ा, दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी सहित 10 राज्यों में सीबीआई की छापेमारी। नई दिल्ली, 80 स्कूलों में बम की धमकी के बाद पुलिस की तलाशी पूरी। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक बोले, अगर कांग्रेस को ज्यादा वोट नहीं मिले तो आपकी बिजली काट देंगे। पश्चिम बंगाल, अनुपमा फेम रूपाली गांगुली आज थामेंगी बीजेपी का दामन। उदित राज के विरोध में कांग्रेस के 2 और पूर्व विधायकों ने दिया इस्तीफा। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल, सिट ने प्रज्वल और उनके पिता एचडी रेवन्ना को पूछताछ के लिए बुलाया। रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेन के ओडेसा में 5 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। अमेरिका, फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने दी निकालने की धमकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज जारी रहेगी कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर का बेटा गिरफ्तार।